धार्मिक नगरी उज्जैन में मान्यताओं के आधार पर कोई ना कोई आयोजन होता ही रहता है। रविवार की रात विष्णुपुरा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही आयोजन हुआ, जिसमें गाय बैल के फेरे हुए, प्रोसेशन निकला और रिसेप्शन में शहरवासियों ने जमकर दावत भी खाई। गाय और बैल की इस शादी करवाने के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि श्राद्ध पक्ष में गाय बैल का विवाह करने से पूर्वज प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। चारधाम मंदिर के शासकीय संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर भवानी शंकर शास्त्री के द्वारा विष्णुपुरा क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन किया गया था। गाय बैल की शादी करने के इस आयोजन के बारे में उनका कहना था कि धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान गाय और बैल की शादी कराने से प्रेत योनि से मुक्ति होकर 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे तक को स्वर्ग मिलता है, इस कारण विवाह का आयोजन कराया गया। कहने को तो यह शादी गाय और बैल की थी, लेकिन शादी में आम शादियों की तरह सभी परंपराओं का निर्वहन किया गया। मेहंदी के साथ बैल और गाय को तेल चढ़ाया गया। इसके बाद ढोल और डीजे के साथ तेजा की बारात निकली। बाराती डीजे पर नाचते गाते गाय के माता पिता बने शुक्ला परिवार के घर पहुंचे। बाकायदा बारातियों को स्वागत सत्कार किया गया। तेजाजी मंदिर में शाम को विवाह हुआ। हिंदू रीति के अनुसार 7 फेरे, पग पूजन, कन्यादान कराया गया। मंगलसूत्र पहनाने और मांग भरने की रस्में भी हुई। बैल तेजा और गाय पेमल रानी के फेरे कराए गए। मंदिर में रिसेप्शन भी संपन्न हुआ। आज आपने एक अनोखी शादी यहाँ पर की है, क्या उद्देश्य था और किस तरह से पूरे आयोजन को हुआ, क्या क्या आयोजन में हुआ? आज सुबह से ही हम लोगों ने जितने लोग थे यहाँ सबको अलग अलग तरह से काम विभाजन किया। आपको ये करना है, आपको वो करना है, गाय का श्रृंगार अलग करवाया, नंदी का श्रृंगार अलग करवाया है। सुबह से उठते से ही उनको नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करने के पश्चात उनको हमने तैयार किया। तैयार करने के बाद में उनके जो 7 मेहंदी होती है, 7 मेहंदी, 7 तेल, 7 हल्दी करवाई है। उसके बाद उनको सजाया गया है गाजे बाजे के साथ, कड़ा भीम के साथ। भगवान को हमने सलामी दी। सलामी देने के बाद यहाँ से विष्णुपुरा तेजाजी महाराज के जो मंदिर है, यहाँ से लेकर के जो नंदी के मतलब हमारे समधी जी हैं उनके हम केड़ी को लेकर के बाकायदा गए हैं। वहाँ से हमारा अभिनंदन स्वागत बड़े अच्छे ढंग से किया। वहाँ से हमने फिर लेकर के दोनों को फिर यहाँ से सीधे विष्णुपुरा, विष्णुपुरा से हम 3 बत्ती प्रकाश नगर से होते हुए, सिंधी कॉलोनी से होते हुए यहाँ कार्यक्रम को संपन्न किया है। उसके बाद में अभी बारात आई, बारात को यहाँ भी नाश्ता और भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रसाद वाला प्रसाद लेके गया है और भोजन करने वाले को भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है अभी भी मंदिर में। उसके बाद में हमने यहाँ उनकी हवन की पूरी व्यवस्था करी है और गणपति पूजन से लेकर के वसुधारा और गणपति पूजन के बाद में हमने सप्तपदी कराई है, उनका चरण पूजन कराया है, हल्दी का जो रिश्म होता है वो पूरा कराया है। उसके बाद में हमने ग्रंथि बंधन करा करके और 3 फेरे हमने माता को दिलवाए हैं, 3 फेरे बाबा को दिलवाए हैं। उसके बाद में 7वें फेरे में हमने नंदिनी को उनके दक्षिण वाम में करके और अभी हाल उनकी हमने विदाई की है। यहाँ पर कन्यादान पग पूजन वो तमाम सर, हाँ, कन्यादान और पग पूजन के हिसाब से कन्यादान में जो व्यक्ति हैं शुक्ला जी, उनने जब कन्यादान किया है तो माता के नाम से उनने 11,051 रुपये उनको कन्यादान दिया है। ये भगवान को दीर्घायु और उनके परिवार को यश और कीर्ति प्रदान करे। एक बेटा है, भगवान को शेष रहे, शक्ति प्रदान करे। वो हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। जब भगवान का स्थापन हो गया था मंदिर का तो भोलेनाथ की शादी नहीं हुई थी, तो माता पार्वती की स्थापना भी उन्होंने कराई थी, उनका दान भी भगवान का उन्होंने किया था। तो हम इनको कहा कि भाई आप जा करके और आप हमारे यहाँ से केड़ी आप ले में और आप उनका शादी का जो है पूरा करें, तो उनने पूरा का पूरा एक संकल्प यहाँ निभाया है। मैं उस परिवार को भी धन्यवाद दूंगा और साथ में जितने भी इस आयोजन में मुझे सहयोग दृश्य अदृश्य रूप से जिनने दिया है, मैं उन सारी ही टीम का जो है हृदय से आधार व्यक्त करूँगा। साथ ही आप जो चैनल वाले हैं जिन्होंने आकर के यहाँ ये पूरा दृश्य आप पूरे संसार को वितरित करेंगे, मैं आपका भी अनंत हृदय से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर भवानी शंकर आचार्य है। मैं संस्कृत कॉलेज में व्याख्याता के पद पे हूँ और अभी कार्यरत हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।